सो गाइस, एक चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि कुछ लोग मतलब अलग ही मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं अपना नंबर आप सबको मतलब दे रहा हूँ, है ना, एंड नंबर दे रहा हूँ काम के लिए कि आपकी हेल्प हो जाए, कि आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ो, कुछ सीखो, राइट, उसके लिए मैं नंबर देता हूँ। बट कुछ लोग नंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं और कुछ अलग ही चीज़ें सेंड करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये नंबर लेके मैसेज करते हैं फालतू के, गालियाँ वगैरह इन सब चीज़ों के, है ना, तो उनको बताना चाहता हूँ कि मैं देखता भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं काम के रिलेटेड ही देखने वाला हूँ। तो आपका मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ 1 सेकेंड लगता है ब्लॉक करने में, ज़्यादा मिनट नहीं लगता। आप 10 नंबर से करोगे, 100 नंबर तो ला नहीं सकते। जब तक करोगे मैं ब्लॉक करते रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, जो लोग सीरियस हैं अपने काम को लेके, जो लोग को सच में काम चाहिए, जो लोग काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वही लोग मैसेज कीजिए। सीरियसली अगर सीखना चाहते हो तो मैसेज करिए और काम तो स्टार्ट गाइज, करिए। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये वीडियो है, एंड व्हाट डिड द वुमेन से, पीस टीवी की तरफ से है ये वीडियो, एंड लेट्स स्टार्ट दिस एक मैसेज वीडियो। मैं मुस्लिम समाज तक भी पहुंचाना चाहती हूं। बहुत सारे आलिम हैं जिनका मैं सम्मान करती हूं, मुझे बताते हैं कि देखिए, जिहाद का मतलब होता है एक जद्दोजहद। जिहाद तो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो मेरा उनसे ये सवाल है आपके चैनल के माध्यम से बहुत सम्मानपूर्वक कि जिहाद अगर एक पॉजिटिव वर्ड है, ये सवाल भी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे जवाब दिया जाए। अगर जिहाद एक पॉजिटिव वर्ड है तो आज तक आपने कभी उसका सही मतलब, सही इंटरप्रिटेशन समाज में आके क्यों नहीं बताया? हमें तो जिहाद हमेशा लव जिहाद की फॉर्म में ही दिखाई दिया, हमें तो जिहाद हमेशा जैश मोहम्मद की फॉर्म में दिखाई दिया, या अलकायदा की फॉर्म में दिखाई दिया, या आइसिस की फॉर्म में दिखाई दिया, या लश्कर ए तोयबा की फॉर्म में दिखाई दिया। तो हम कैसे मान लें कि जिहाद पॉजिटिव वर्ड है? So my question for you is, you said media is bad, but it has two sides. So how can we as a youth can improve it? My first question is this. And my second question is, so how can I as a common person improve the relation between Hindus and Muslims in our country? भाई का सवाल था कि हम जानते हैं कि अक्सर मीडिया खराब है, हम इस मीडिया को कैसे सुधार सके, और दूसरा सवाल है कि हिंदू और मुसलमान भाइयों में अपनापन कैसा पैदा करें। पहला सवाल कि मीडिया अक्सर ख़राब है तो इसे सुधार कैसा सके, क्योंकि मीडिया वो चीज़ इंसान को दिखाता है जो इंसान देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गलत चीज़ देखे तो मीडिया गलत चीज़ दिखाता है। हम जानते हैं कि अमेरिका और यूके में पोर्नोग्राफिक चैनल्स बहुत है, और पोर्नोग्राफिक चैनल्स चलाना बहुत सस्ता भी है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखें। तो अगर हमको मीडिया को सुधारना है, हमें ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए जो हक के साथ है। जो चैनल हक के साथ नहीं है उसको आप सब्सक्राइब मत करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह धीरे धीरे मीडिया भी सुधर जाएंगी। गलत मीडिया जो हमारे माँ बहन को बेचता है, जो माँ बहन को नंगा करके दिखाता है, वो मीडिया को बैन लगाओ। हम बैन लगाएंगे तो खुद ब खुद ऐसे गलत चैनल बंद हो जाएंगे। जो मीडिया पैसे के बल के ऊपर न्यूज दिखाता है अपने फायदे के लिए, उस चैनल को सब्सक्राइब मत करो। व्यूअरशिप कम होंगी, फौरन मीडिया सुधरेगा। चाबी हमारे हाथ में। अफसोस की बात है कि हम इंसान गलत चीज इस दुनिया की चमक धमक में आ जाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हम इस दुनिया की चमक धमक के करीब आते, जिस तरीके से आग के करीब इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े आते फिर जल जाते, हम भी इस दुनिया की चमक धमक की तरफ जाते फिर हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो हम अगर हक के साथ है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मीडिया भी इंशाल्लाह सुधरेगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत की एक ऐसा चैनल लोगों के सामने पेश करना जो हक का साथ देता है, देखिए आप माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप करोड़ों में है, एस्टिमेटेड 7.5 करोड़, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे मीडिया का आप साथ देंगे और आप देखते हैं कि गैर मुसलमान भी इससे फायदा उठा रहे। पूना में जब तकरीर की तो एक गैर मुसलमान ने कहा
कि मुसलमान को क्या फायदा होता है मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम गैर मुसलमानों को तो बहुत फायदा हो रहा है। हम खुद हमारा दीन नहीं जानते थे, आपका पीस टीवी देखने के बाद हम हिंदू मजहब को और अच्छे से जानने लगे। सही बात। आपका दूसरा सवाल, क्या हिंदू और मुसलमानों में कैसे अमन पैदा करे, भाईचारा पैदा करे? जिस तरीके से मैंने एक तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहिब में, और मैंने कहा था कि मास्टर कीफो दावा सूर्य इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। हमें यकसानियत पे बात करना चाहिए, जो कुरान और दिगर मजाहब में यकसानियत है उसके ऊपर अमल करे, जो इख्तिलाफ की बात है वो कल डिस्कस कर सकते, आज जो यकसानियत है उस पर डिस्कस करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाईचारा बढ़ेगा। और सबसे पहले यकसानियत है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा किसी की इबादत मत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये लिखा हिंदू मजहब में, ईसाई मजहब में, यहूद मजहब में, सिखिज़म में, पारसीज़म में, इस्लाम में। जो यकसानियत उस पर अमल करो, इंशाल्लाह इंसानियत में भाईचारा बढ़ेगा। सलाम अलैकुम जाकिर भाई, आप गैर मुस्लिम हैं? जी मैं रिवर्ट हूँ, इस्लाम रिवर्ट हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाकई इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, और मैं अपने सभी भाइयों को सलाम बोलता हूँ यहाँ पे, और जाकिर भाई को भी सलाम अलैकुम और आप सबको सलाम। मेरा सवाल है जाकिर भाई, जैसे आपने कहा कि मीडिया इस्लाम को दबा रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो आप सारे मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलके इसको कैसे कंडीशंस को सोल्यूशन अच्छा करें? मेरी भी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बाकी सारे मुस्लिम ब्रदर्स को? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि जब मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, तो हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जैसे मैं तकरीर में कह रहा था कि हमें घबराना नहीं चाहिए, अक्सर हम घबरा जाते हैं, वी बिकम अपोलोजेटिक, हमें बाजी को पलटना चाहिए, वी शुड टर्न द टेबल्स ओवर, और मीडिया में सही इस्लाम की तालीमात पेश करना चाहिए। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान मीडिया से बहुत दूर है, जो भी मीडिया हमारे पास है वो सिर्फ मुसलमान उसे पढ़ते या सुनते हैं। हमें मीडिया के मैदान में आना चाहिए, हम देखेंगे कि मुसलमानों का जो मीडिया है अक्सर हिंदुस्तान में उर्दू मीडिया है, उर्दू सिर्फ मुसलमान पढ़ते, कितने गैर मुसलमान पढ़ते, चाहे वो मुंबई में हो, कलकत्ता में हो या हैदराबाद में हो, जो मीडिया पे हम पॉपुलर है वो उर्दू मीडिया है जो सिर्फ मुसलमान पढ़ते, अक्सर चंद स्मॉल परसेंटेज गैर मुसलमान पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो भी हमारा मीडिया है, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन हो या टेलीविजन चैनल हो, हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में अरबिक है, अरबी सिर्फ मुसलमान देखते हैं और पढ़ते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज के चैनल होना चाहिए, मैगजीन होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, कितने अंग्रेजी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हमारे पास है? एक भी नहीं। जो भी अंग्रेजी इंटरनेशनल मीडिया है, न्यूज़वीक, टाइम मैगजीन, सब गैर मुस्लिम के, हमारे पास एक भी है? कितने रेडियो स्टेशन है, बीबीसी, सीएनएन, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स, बीबीसी, सीएनएन, मुस्लिम्स के कितने? हमें इस मीडिया के जरिए इस्लाम को फैलाना चाहिए और लोगों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। एक तरीका है तकरीर देके, दूसरा तरीका है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल। हमारे पास एक भी अंग्रेजी इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल नहीं है, हम बहुत छोटे। ये मेरी सोच थी 10 साल पहले, हमारे पास जो फैसिलिटीज थी वो बहुत कम थी, लेकिन जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके साथ बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो, अल्लाह सुभाना व ताला आपके रास्ते खोलेगा। सही बात है। 8-9 साल पहले हमने प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए अंग्रेज़ी और उर्दू में, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल के लिए उर्दू में कम तादाद में, अक्सर अंग्रेज़ी में, और इसको फ्री बांटा मुख्तलिफ चैनलों में,
मुस्लिम और गैर मुस्लिम चैनलों में फ्री, वेरियस सैटेलाइट चैनल्स हर रोज हिंदुस्तान में आज ETC पे, ETV पे हर रोज आधा घंटा हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं तकरीबन 3, 4, 5, 6 साल से फ्री में। इस तरीके से हमने शुरुआत की। चंद महीने पहले जनवरी में हमने चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है PEACE TV। ये खुसूसन अंग्रेजी चैनल है, चंद घंटे उर्दू में भी इसके प्रोग्राम आते हैं। ये सैटेलाइट चैनल PEACE TV अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में सारे ममालिक एशिया में आ रहा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। चंद महीनों में इंशाल्लाह अमेरिका भी कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह एक साल के अंदर सारी दुनिया में इंशाल्लाह आपको दिखेगा ये चैनल PEACE TV। फ्री टू एयर चैनल है, अक्सर अंग्रेजी में है, क्योंकि जब मेरे प्रोग्राम बाकी चैनलों पर आते हैं कई नॉन मुस्लिम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये प्रोग्राम देखने के बाद कई उनके गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में दूर होती है। तो ऐसे और कई चैनल होना चाहिए, कई प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें एक स्टैंडर्ड की करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड बिलीव इन क्वालिटी। अक्सर हम जब इस्लाम का काम करते हैं तो उसे क्वालिटी से नहीं करते। हमें जो भी चीज़ करना चाहिए भले छोटा कीजिए लेकिन क्वालिटी से कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कीजिए, और इंशाल्लाह हम देखेंगे आज की तारीख में जो इस्लाम फैल रहा है वो हमारे वजह से नहीं, वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह दीन फैल रहा है। हम मुसलमान हमारा काम दावती काम सही तरीके से नहीं कर रहे, हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दावत दे गैर मुसलमानों को और गलतफहमी दूर करे। ये जरिया है निजात का, और मीडिया ऐसा जरिया है जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। सो गाइस, दिस वाज अ रिएक्शन ऑन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, एंड बहुत बेहतरीन वीडियो था, उन्होंने मीडिया का बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली इस्लाम के बारे में सबको जो मीडिया दिखाता है, जो सबको पता है, जो लोग सुनते हैं वही उसको सच समझते हैं, और वही उनके जहन में आई हुई है बात इस्लाम के बारे में कि इस्लाम दहशत गर्द ऐसा कुछ है कि मतलब उसमें ऐसे ही लोग होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस्लाम मीन्स पीस, ठीक है, बट लोगों को ये गलत फहमी है। लोगों की ये गलत फहमी तभी दूर होगी जब वो समझेंगे इस चीज़ को, जब वो जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। बट अगर उनको पता ही नहीं है कि भाई इस्लाम एग्जैक्टली है क्या और उसमें क्या क्या सिखाया गया है, कुरान में क्या है, तो लोगों को अपने दीन के बारे में नहीं पता होता, उनके दीन में क्या लिखा है भाई यही नहीं पता होता लोगों को। सच बात कह रहा हूँ, आप देख लो कितने सारे लोग उठा के देख लो भाई, उनको अपने दीन के बारे में पता ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको रीज़न ही नहीं पता। उनको अगर पूछ लोगे ना बिठा के कि भाई तू ये चीज़ क्यों कर रहा है, आंसर नहीं होगा उसके पास। दिस इज़ द हालत। अल्लाह सबको हिदायत दे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।